वहाँ पे हाई विंडो प्रेशर करने लगे, डिफरेंट का जो लिखा हुआ है, जैसे हम तरह ट्रीटमेंट बनाई हुई है और डिफरेंट पैरामीटर स्टडी करे लगे हैं। तो कोकोनट की हाई प्रेशर, कोकोनट का जूस निकाल लेके उसके बाद हाई प्रेशर ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। पहले सबसे पहले जूस निकाल लें, ये काउंटर है, अभी काउंटर का तरीका है इसका, अजीब सा तरीका है कोकोनट का। ओके, ये इसने काट लिया। You're gonna see the same thing when you go to the market. Yeah. The seller gonna do it for you. Okay. ये जूस इसने डाल दिया, कोकोनट जूस। And then I think we should collect everyone. Or you can try it if you don't want one. I'm gonna do it for you. Wash your hands. Like wash out your hands. No. It is like hard. Recording का तरीका इसका ना एक ऐसे ही है। It should be hard enough to. Okay, ये recording का तरीका। Sorry. So very difficult. फर्स्ट स्टेप है, यानी इसमें निकाल के जो जूस निकालना है कोकोनट का ना, कोकोनट के लिए बड़ा मुश्किल है कोकोनट का काटने की। मैंने भी कोशिश किया, बड़ी मुश्किल से कटता है ना। बड़ा मुश्किल है काटना है। Okay. Okay. Thank you. Okay. Take my pictures. Okay. Just wait for the next one. Okay. Okay. I will. Send me by mail or whatever. Okay. I will send you on WhatsApp. Okay. Okay. Very good. In Hadi, I'm Hadi. Who's the caller? Abdul Kareem is also there. जेंडर है, ये अभी काम कर रहा है, हमने जो डाल दिया पानी कम्प्लीट हो गया जरा चला। तो ये यानी कोकोनट ब्लेंडर से जो उसको निकाल दिया, उसके बाद कोकोनट ब्लेंडर से तो ये बड़ा मुश्किल है इसको काटना ना, बड़ा बढ़िया है, बहुत मारेगा इसके ऊपर। ये फर्स्ट स्टेप था यानी कोकोनट का जूस निकालना, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ये इसने ब्रेक कर लिया, जैसे हम खाते हैं स्पून के जरिए, यानी स्पून के जरिए चम्मच के साथ में खा सकते हैं अंदर से। नेक्स्ट स्टेप है वो फिल्ट्रेशन है, ये मलमल का कपड़ा है, उससे करके जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं वैसे मलमल के कपड़े से यानी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी पार्टिकल आ गए जूस के अंदर, तो इसे हम फिल्टर कर रहे हैं इसको मलमल के कपड़े के ऊपर डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मलमल के कपड़े के ऊपर ये डाल रहे हैं और ये यूँ फिल्टर होते हैं भाई, ये पार्टिकल है वो पूरा जो है लिए जूस में जोड़ जाएगा। ये सारा जूस फिल्टर करेगा, सारा जूस ऐसे फिल्टर हो जाएगा। लेडनिंग कर रहे हैं प्लास्टिक की बोतल, पेट बोतल जो होती है, और कंट्रोल के लिए छह बोतलें बनाई हैं उसमें, यानी पैच जो डाले के कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, उसके बाद थर्मल ट्रीटमेंट करेगा, फिर हाई प्रेशर ट्रीटमेंट, तो डिफरेंट थ्री ट्रीटमेंट्स हैं हमारे ना। तो ये बोतल छः हम कंट्रोल के लिए बना रहे हैं, इसमें यानी फ्रेश जूस एड सच ही डाल लेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, फिलिंग कर रहे हैं कंट्रोल के अंदर। और एनीवन वांट टू ये सिंपल फिलिंग है, तो ये फिलिंग कर रहे हैं, फिलिंग हो रही है कंट्रोल के लिए। So, and then we prepare the bottle for high pressure. Okay. This is for control. Yes. The control is. After that, we seal it. After that, seal it. ढक्कन होते हैं ना ये.
सील लग जाते हैं. उसके बाद इसको हाई प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के लिए रखेंगे, हाई प्रेशर करने के लिए ना, ट्रीटमेंट करने के लिए. पाश्चराइजेशन करने के लिए एक तो यह सिस्टम है इनका, आप देख सकते हैं ये थाईलैंड कंपनी ये पाश्चराइजर है मेन. ये पाश्चराइज का टेम्परेचर और पाश्चराइज जो थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं इसके थ्रू करते हैं यहाँ पे ना. तो अभी ये इनका टेम्परेचर रीच नहीं हुआ 80 डिग्री पर, हमने करनी है हम मैनुअल कर रहे हैं चूल्हे पे ना. ये आप देख सकते हैं जो इसकी पाश्चराइजेशन हो रही है. इसका क्योंकि अभी टेम्परेचर रीच नहीं हुआ 80 डिग्री पे करनी है हमने, इसलिए वो टाइम थोड़ा है तो वो कह रहे हैं ना हम मैनुअल कर लेते हैं. तो मैनुअल पाश्चराइजेशन अगर करनी है अपने पाकिस्तान के अंदर भी ना, तो ये थर्मामीटर है प्रोब वाला, तो इसके जरिए भी आप कर सकते हैं. जब टेम्परेचर 80 पे पहुँचेगा उसके बाद टाइम स्टार्ट करेगा 1 मिनट 80 डिग्री पर ना 1 मिनट के लिए. तो उसके बाद ये फिलिंग करनी है. स्मेल कोकोनट यस फिलिंग करें मतलब हमें थर्मल ट्रीटमेंट की ना. देख लेते हैं ये फिलिंग होगी उसके बाद इसको कवर कर देना, सील कर देना उसको. करने के बाद इसको कूल कर दें पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर में, ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए. उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि एनालिसिस पर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. अगर सैंपल अगर आपका सैंपल टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हम सैंपल को एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको कूल कर दें ताकि टेम्परेचर भी आ जाए. मशीन है चाइना में भी यूज़ की थी अंदर वो रखने के लिए सैंपल है अंदर हाई प्रेशर के अंदर वो Standard after that, you can do like the one that you just did. Okay. I'm checking for the pasteurization. This sample at the end of inside under pani is there. Okay. Yeah, different. Iske okay, all right. Yeah, bag hai uske upar sample ke upar na taki bottle na bottle pani ke andar hi rahe. Kyunki ye sander ke andar pani hai. स्टीम सी बनेगी और प्रेशर बनेगा अंदर. ये अंदर रख लिए बोतल, अंदर रख दी और ये हाई प्रेशर तो ये वैसलीन है उसके ऊपर लगाई हुई है. रोटेटर है रोटर है इसके ऊपर आएगा ना, ये बंद हो जाएगा ये सिलेंडर ना, ताकि वो इजीली यानी ओपन हो जाए बाद में ना. तो वैसे नहीं लगा रहे इसलिए प्रेशर सेट हो रहा है. सेट पैरामीटर एंड 600 प्रेशर है 600 ऑलरेडी सेट द प्रेशर एंड होल्डिंग टाइम 25 डिग्री एंड सिलेक्ट ऑटो ये कवर हो गया ऊपर से बंद हो गया ऊपर से. ये देखे हाई प्रेशर स्टार्ट होगी. ये तो यानी टेम्परेचर 25 डिग्री ठीक है, नो टेम्परेचर भी आएगी
Okay, close it. Close कर दिया ये high pressure machine में. Pressure inside. Yes. Okay. And then holding time. Holding time is if increase to 600 is already. Already. No, I'm asking you. 600 PS तक किया. तो अभी 600 तक जाएगा. Inside जो pressure होगा वो 600 PS है. इसका panel जिसके different button है. वो भी machine है तब तक. उसके बाद ये बंद हो गया जो पहले इसके अंदर हो रहा था कैसे बन गया थे तो उसके बाद टाइम स्टार्ट हो गया और इस सेकंड हो गया तो 10 मिनट के लिए अंदर रहेंगे अंदर इसी प्रोसेस के अंदर रखे गए सैंपल के ना ये हाई प्रेशर मशीन है आप देख सकते हैं मॉडर्न है इसका कंपनी है रिवर्स मशीन है ना मैं चैनल में भी यूज़ किया मेरा पेपर भी काफ़ी इसके ऊपर ना वो देखिए वो पीछे हो गया अपने आप ही और वो ऊपर हो गया हो गया और उसके बाद अभी ओपन करेगा ये ओपन हो गया और वो सैंपल निकाल लेने अपन गया That he asked me to put water. Yeah, then you see the result because the pressure is squeezing the barrier. Yeah, pressure computer. Yeah, change from what? Yeah, if we just put a half of water, see what has happened. The container is gonna have like high pressure. Treatment के बाद ये. You can go to check. It is like that because it's not. Yeah. Yeah. Maybe because of the pressure will be pressed everywhere. Yeah. Then if you have like very different if the space needs to be pressed. Okay. So some pressure does it or 2 liter water is pressed. So this is high pressure. Basically, they get appearance. High pressure can allow me to get like that. More clear, yes. Sure. Comparison करते हैं, देख सकते हो। High pressure वाला ज़्यादा आती है। बीच में पहले controller फिर thermal आ रहा है। It's very clear. Very clear. Yeah, we find out. Sensory कर दिया, sensory. यहाँ पे सारे sensory test कर रहे हैं। इनका teacher है सारे expert panel है। सारे check कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ना जो हमने किए ना ट्रीटमेंट इसमें कंट्रोल है थर्मल ट्रीटमेंट है और हाई प्रेशर एलिवेशन की है एलिवेशन ये कप में की है तो हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो दिखा देते हैं सेंसरी के हमारे कंट्रोल का 7 ये हमने यानी कुछ एट्रीब्यूट लिखे हैं इसके कोकोनट अरोमा 7 का सबसे स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर था कोकोनट जो फ्लेवर था वो भी इसका स्ट्रॉन्ग था हाई प्रेशर का जो स्वीटनेस थी ये इन दोनों की सेम थी और कंट्रोल की कम थी उसका मतलब है जो हाई प्रेशर है ये काफ़ी अच्छी है नहीं इससे यानी अरोमा भी इम्प्रूव हो रहा है फ्लेवर भी इम्प्रूव हो रहा है स्वीटनेस भी इम्प्रूव हो रही है ज़्यादा हाई प्रेशर सब ये कलर डिफरेंस ना देख सकते हैं दोनों में कितना फ़र्क है हाई प्रेशर का कलर मीट के ऊपर ना तो हाई प्रेशर है ना वो थर्मल ट्रीटमेंट में ना ये कंट्रोल है काफ़ी बड़ा हाई प्रेशर का काफ़ी वैसे लिंक कलर फेड हो गया था ओके ये ना पीएच है पीएच में लगे हम कोकोनट जूस की ना तो इसमें कुछ प्रोफेशन है कैलिब्रेट करने के लिए ना पीएच 7 और 4 होता है ये कैलिब्रेट करने के लिए पीएच मीटर का ना बफर सॉल्यूशन है मोस्टली पाकिस्तान में हम 7 और 4 यूज़ करते हैं कैलिब्रेट करने के लिए पीएच का ना ये इसका प्रोब है ओके सबसे पहले एक्सप्लेन करना स्प्रिंकलर वाटर
the tissue. And the tissue will be clean cut. प्रोफेसर शांति ने स्वीप करना है, कैलिब्रेट करना है यहाँ पे और देखते हैं सेवन आएंगे. एंड यू कैलिब्रेटेड योर थ्री स्लॉफ सेवन पे गिरता है तो कैलिब्रेट होकर सेवन पे आएगी. और अब इन बड़ा वॉश करके फोर वाला लगाएगा, प्रोफेसर शांति फोर वाला ना, उससे कैलिब्रेट करेगा. सेवन पी एच पे किया पहले, फिर आप बफर सोल्यूशन फोर पी एच वाला लेंगे. ये फोर पी एच वाला है, फिर इसको चेक करेंगे कि फोर पेन चाहिए. अच्छा, सेवन पेन तो फोर पेन चाहिए. देखिए फोर पे आ रही है, ये फोर पे आ गई. दिस इज लाइक दिस नो. यस, वेरी गुड. ये चार पे आ गया तो मतलब कैलिब्रेट हो गया. ये टीएसएस करेगा इससे ना, बिक्स भी करते हैं इसमें, उसका रीजन सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद सैंपल पे डालेंगे ड्रॉप वाइज, ड्रॉप डालेंगे ड्रॉप ना सैंपल का. उसके बाद ये फंक्शन में भी यूज़ करते हैं आम है, बिल्कुल सिंपल ही चीज़ है, इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है. सिंपल ड्रॉप डालना है उसके ऊपर रीजन के ऊपर, और उसके बाद उसको बंद करना है. अंदर यानी एक होता है वो मीटर से चेक कर लेना जूस के, यानी टेबलेट के अंदर डाल के ज़्यादा डाल दिया सैंपल ना, तो ये हम कर रहे हैं. सैंपल डाला अंदर, इसको ड्राई कर रहे हैं और इसकी इसके आगे रखेंगे. इसके आगे रख दिया, आप पिक्चर खींचेंगे यानी इसकी ना, यानी जो सिस्टम है इसका इमेज लेता है ना. उसके बाद ये एल ए बी वैल्यू देगा. ये कवर कर दिया, इसके ऊपर कवर कर दिया, देन प्रेस और यहाँ पे सामने रिजल्ट आ गया. ये एल ए बी वैल्यू आ गई. सिंपल सा तरीका है इसका. ये है कलरीमीटर, एल ए बी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट करने के लिए. इसकी पॉइंट नहीं है, सैंपल डालना है क्यूबिट के अंदर. सैंपल डाल दिया क्यूबिट के अंदर और उसके बाद ये इसके अंदर रख देना. इसके अंदर रख देना है, इसके बाद कवर कर देना है इसको. But we didn't measure it in that one. The value of the leader. What? The value of the leader. Oh, the control samples. They are control? No.